Hey guys, आपका स्वागत है फिर से एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। और आपने थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा, तो बिल्कुल सही देखा है। मैं आया हूँ आज भारत के यानी एशिया का सबसे बड़ा मेला, और वो है सोनपुर का मेला। पीछे गेट देख ही सकते हो, और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं भारत का यानी एशिया का सबसे बड़ा मेला, और जितने भी सारे कार्यक्रम होते हैं वो सब कुछ दिखाएंगे। और आज हमारे साथ हैं चौहान जी। तो चौहान जी भी ब्लॉगिंग करते हैं और इनका चैनल का नाम है चौहान ब्लॉग्स। तो नहीं देखा तो देख लीजिए, और आज चलते हैं और आपको पूरा मेला दिखाते हैं। और मेले के बारे में अंदर चल के बताता हूँ कि मेला क्या खासियत है और मेला क्यों प्रसिद्ध है। तो पहले अंदर चलते हैं और आपको ले चलते हैं। आ गया वहाँ पे जहाँ पूरा जो मेला का कार्यक्रम होता है वहाँ पे आ चुका हूँ, और ये पूरा कैंप है और आप देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ रोज़ सोनपुर के मेले में डेली कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जो कि यहाँ पे होता है, तो आप देख ही सकते हो। और विज़िट करना तो यहाँ देख लेना, यहाँ हर तरीके के कार्यक्रम होते हैं और डेली होते हैं। तो आपको आना होगा तो गेट से तुरंत ही, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, गेट के शुरुआत में ही है, तो आप आके देख सकते हो और पीछे देख ही सकते हो। दोस्तों ये देख ही रहे हो मेरे पीछे, आप लाइन से देख सकते हो, अलग अलग तरीके के कैंप लगाए गए हैं। और अलग अलग कैंप में हर तरीके से लोगों को गवर्नमेंट से जो भी सारी पॉलिसीज मिलती है उनको अवेयर किया जा रहा है मेले के तहत। और आपको मेले में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख ही सकते हो ये जगह जगह ऐसे टेंट हाउस लगाए गए हैं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें लोगों को नए नए पॉलिसीज और अन्य चीज़ें बताई जा रही है। तो आप देखो और इन्जॉय करो। हम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर चांदपुर धवन गाँव पड़ता हूँ, वहीं से आए हैं। अच्छा, तो मेले में क्या क्या लाए हो नया, कुछ यूनिक आइटम? यूनिक आइटम मेरे पास कुर्सी है और माँ दुर्गा का है, गजगरा का मूर्ति है। थोड़ा दिखा सकते हो कुछ? हाँ, दुर्गा जी का मूर्ति दिखा सकते हैं। अच्छा, वो और एक सांप का है जो ममता का स्वरूप है, उस पे बनाए गए हैं। अच्छा, इनकी कीमत बता सकते हो, कॉस्ट क्या रेट की है? दुर्गा जी का कॉस्ट है 10,000 रुपया, ये सांप वाले है का 10,000 रुपया। तो ये किस चीज़ की है? बैम्बू की? बैम्बू की बनी हुई है। अच्छा, तो बनाने में कुछ बता सकते हो कैसे क्या प्रोसेस, कितना दिन लगता है? दुर्गा जी के मेरे 20 से 25 दिन लग गया। अच्छा, इसका भी 20 से 25 दिन लग गया बनाने में। अच्छा, तो इसका क्या कीमत है? 10,000 रुपया। और दुर्गा जी का भी कीमत? उसका भी 10,000 रुपया। आ चुके हैं दूसरे दुकान पे, जहाँ पे आंटी जी अपने हाथों से बना के ये वुलेंस के सामान बेच रही हैं और हाथों की कढ़ाई की मदद से सारे सामान बेच रही हैं। आंटी जी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलावती, घर रामपुर अटौली। अच्छा, तो ये आपने जो सब कुछ बनाया है अपने हाथों से बनाया है? जी, हाथ से बना रहे हैं, अभी कहिएगा, अभी बनाकर दिखा देंगे। अच्छा, अभी कर ही रही हैं, बुनी रही हैं अपने हाथों से। अच्छा, तो ये बताइए क्या कॉस्ट क्या रखी है, प्राइस कितने है? 140 का है, जैसे सूटर है 450 का है, 340 का है, जैसे मतलब अलग अलग रेट है। हाँ, रेट अलग 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 है। तो जैसे सबसे कम कितने का है, सबसे ज्यादा कितने का है? सबसे ज्यादा है कि उस वाल ऊन के है, जैसे हाथ से बनाते हैं, मेहनत लगता है, तो 450 में बिनते हैं जैसे। अच्छा, वैसे कम रेट के ऊन है तो 350 के बेचते हैं। तो भैया आ गए हम लोग दूसरी दुकान पे और देख ही सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टोन मेड है सामान रखे हुए हैं। तो भैया से बात करते हैं, पूछते हैं क्या रेट है और क्या क्या यूनिक लाए। भैया कुछ बताइए इस मेले में क्या यूनिक लाए हैं? भैया मेले में कुछ यूनिक लाए हैं आप, अलग आइटम है ना भैया? बताइए। छोटा आइटम है। अच्छा, भी महंगा है। अच्छा, बनाने का कटिंग पे पैसा है, मजदूरी हम लोग को मिलता है। अच्छा,
कटिंग का पैसा। देखिए इतना साइज में, इस साइज में, अच्छा दोनों एक ही साइज है, इसका कटिंग अलग है, इसका पैसा अलग है। क्या रेट रेट बताइए कुछ? इसका रेट आपको इंची पर 150 रुपये इंची पड़ता है। अच्छा 150 रुपये इंची का। तो पूरी मूर्ति मुहूर्त क्या रेट की आएगी? पूरी मूर्ति क्या, पूरी मूर्ति कितनी रेट की? 5 इंच का है। अच्छा 150 रुपये इंच के हिसाब से 5 इंच का पैसा लग जाएगा। तो और कुछ बताइए यूनिक चीज हो। तो दोस्तों तुम्हारा भाई आ गया है मेले के अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस मेले में, मेले के 3 पार्ट आने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा मेला घुमाऊंगा, फिर आएगा फूड का, और जो एनिमल वाले जगह का है वो सब कुछ दिखाऊंगा जो कि पशु मेला लगता है। 3 पार्ट में आएगा सोनपुर का मेला। तो भाई ये वीडियो को लाइक करो और आगे तक देखते रहना, तभी आपका भाई पूरा मेला घुमा सकेगा। और पूरा मेला आज घूमना है, तो देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं, और आगे बताता हूँ मेले के बारे में कुछ। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मैं आपको इस मेले के बारे में कुछ बता देता हूँ। सोनपुर का मेला जो कि बिहार में लगता, और इसकी राजधानी पटना है। यहाँ से 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर पटना है। तो आप अगर बाहर से आते हो सोनपुर के मेले में, वैसे बहुत सारे लोग यानी पर्यटक आते हैं इस मेले में, विज़िट करते हैं, घूमते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस मेला है और बहुत ही पुराना मेला है। तो अगर आप आते हो बाहर से तो पटना से 25 किलोमीटर है और आप सोनपुर आ सकते हो। इस मेले के बारे में मैं बताता हूँ, ये मेला पशुओं के मेले के लिए फेमस है ज़्यादातर। और यहाँ पे जो मंदिर है हरिहरनाथ जी का, उसके वजह से फेमस है। पहले हरिहरनाथ जी का मंदिर यहाँ था, तो यहाँ बस पूजा होता था, और जो कि मेला था यहाँ से दूर लगता था, 20 किलोमीटर दूर, तो वहाँ मेला लगता था और ये यहाँ पे पूजा होता था। तो अब दोनों एक जगह कर दिया गया है, और आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ पूरा। तो आप वीडियो में बने रहो और अंत तक देखो, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये मेला कैसा और कितने बड़े में लगता है। लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में लगता है, और जस्ट बगल में ही गंगा जी बहती हैं। तो यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है भीड़ आना। तो आपको आगे दिखाते हैं, और आप बने रहिए वीडियो में, तभी आपको मजा आने वाला है। सामान सब 40-40 रुपया में मिल रहा है। बच्चे का खिलौना लेना हो या स्टील का सामान खरीदना हो, सब 40 रुपया में मिलेगा। पूरी छनौटा, चाय छकनी, चाकू, चम्मच, कटोरा, चप्पू, लाइटर, चिप्स, कांटे का सिलसिला, कोई भी आइटम सिर्फ 40-40 प्रकार के होंगे। जैसे बताइए कुछ आपको। बांस के मिलेंगे। बांस की? बांस के। कौन सी बांस की है? यही बांस की है। अच्छा, और आपको कह दिया कि हमारे सबसे टॉप क्लास के अचार है। क्या? जो 400 kg पे बिकती है। किस चीज़ की अचार? कैरिया के, राजस्थान में फल होते हैं जी कैरिया की। अच्छा, जितनी अचार है जी। और कुछ यूनिक? टोटल कितने प्रकार के अचार हैं आपके पास? कम से कम हमारे पास मीठे में बहुत आइटम है। ड्राई फ्रूट मिलेगा, काजू किशमिश, बादाम के आपको। अच्छा, आपको देखिए ये बैर के अचार मिलेंगे। बैर के भी अचार हैं? ये मुरब्बे हैं जी। अच्छा मुरब्बा, और कुछ? ये बेल का मुरब्बे हैं। अच्छा बेल का मुरब्बा, बहुत यूनिक चीज है। वाह, ये मतलब कि हर जगह नहीं मिलेंगे आपको सर। अच्छा, ये देखिए, ये आपको आम है, और आपको ये खजूर है, काजू किशमिश, बादाम के, मतलब मिक्स फ्रूट है, मिक्स ड्राई फ्रूट है। मिक्स ड्राई फ्रूट है ये भी, देखिए काजू किशमिश, बादाम, ये कश्मीरी मुरब्बे हैं जी। अच्छा, ये हमारे पास सोहले के मुरब्बे। तो आपके पास कितने प्रकार के, मतलब गिनती में कितने प्रकार के अचार हैं? 20-25 प्रकार के अचार हैं। इमली भी मिलेंगे। अच्छा, और सबसे बड़ के ये है कि हमारे दुकान में कोई नहीं बेचते, हमने आपके लोगों के लिए लाए हैं ये सर, ये गन्ने के मुरब्बे हैं। अच्छा, गन्ने का मुरब्बा, तो आप देख ही सकते हो। गाय बाजार में लगाया था, लाइन लग के बिकी थी। अच्छा, आप कहाँ से आए, कहाँ से हैं? हमारे देख लीजिए दुकान यही है। आप अपने नाम से? हमारा नाम मोहम्मद अनवर हुआ सर। अच्छा, हाँ। आए कहाँ से हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे काम गुजरात से होती है, हमारे गुजरात का परिवार है, हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा, तो देख ही सकते हैं ऐसे शॉप लगे हुए, और अंकल जी का शॉप देख लो, अगर आना हो लेना हो तो ले सकते हो। अचार कई वैरायटी के रखे हुए हैं। देखिए बहुत तरह से चिप्स हैं। अच्छा, चिप्स भी रखे हुए हैं। इंडोनेशिया की चिप्स हमारे पास है। अच्छा, इंडिया से नहीं, बाहर का है? बाहर की भी हमारे पास। ये देखिए सर, ये सब तो चिप्स जो है। अच्छा, फ्लेवर में है। अच्छा, ये टमाटर का, शिमला मिर्च,
ये है आपको केला का, चुकंदर का, ये आपको गाजर के हैं। अच्छा, तो मतलब अलग अलग प्रकार के वैरायटी मिल जाएंगे और अंकल जी के यहाँ से आप आके ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे सामान आप उठा सकते हो और देख ही रहे हो, 15 रुपया 10 रुपया अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। 10 रुपया हर एक माल लगा के रखा है इन्होंने और मेले में भीड़ देख ही रहे हो, शाम होने को आया है और मेले में भीड़ बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, आप देख ही सकते हो। दोस्तों मेले के अंदर आ सकते हो और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं और आप कहीं से भी कोई सामान ले सकते हो और बार्गेनिंग करना ना भूलना, क्योंकि मेले में बहुत अच्छा खासा बार्गेनिंग होता है और कोई भी प्रोडक्ट लेना या कोई भी सामान लेना वो उसको चेक करके और बार्गेनिंग अच्छे से कर लेना। और देख ही सकते हो पूरा ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप अलग अलग जगह से अलग अलग सारी चीज़ें ले सकते हो, जो आपको पसंद में आए वो ले लो। तो चलते हैं आगे, अब आपको आगे दिखाते हैं। आए हैं प्रांगण में और देख सकते हैं वहाँ गेट था प्रांगण का, आप आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात कराते हैं उनसे भी और उनसे कुछ पूछते हैं कि कहाँ से आए और क्या यूनिक इस मेले में लेके आए हैं। तो दोस्तों देख ही रहे हो मेरे पीछे, ऐसे ही कई जगह नौटंकियाँ होती हैं और ड्रामे किए जाते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करके अवेयर किया जाता है, बहुत सारी जो गवर्नमेंटेड पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी लोगों में स्प्रेड किया जाता है। तो आप देख ही सकते हो बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे इवेंट्स किए जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा सोनपुर का मेला, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना और हमारे YouTube चैनल राउंड ट्रिप विथ राहुल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेके आता रहूं और आपको दिखाता रहूं। और मुझे भी मज़ा आया, इसी वजह से एक लाइक कर देना, ताकि मैं भी इंटरेस्टिंग वीडियो देने में बहुत ही अच्छा लगे, ताकि मुझे लगे कि आपका प्यार मेरे तक पहुँच रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड किसी नए जगह पर, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली बार।